Dr. Vinay Kumar Rai, consultant in Unitology Department, Manipal Hospital, Dwarka. हमारे जो मणिपाल हॉस्पिटल का जो NICU है ये टर्सरी केयर सेंटर है. इस डिपार्टमेंट में हम लोग दो कंसल्टेंट हैं एंड हमारे पास जो ड्यूटी डॉक्टर हैं दे आर स्पेशलिस्ट एंड स्पेशली दे आर ट्रेन इन दी न्यूनेटॉलॉजी. हमारे जो नर्सेस हैं दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड नर्सेस एंड मोस्टली ट्रेन इन दी न्यूनेटॉलॉजी. जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा जो NICU है दैट इज़ अ 30-bedded NICU एंड इनबॉर्न एंड आउटबॉर्न यूनिट हमारा सेपरेट यूनिट है. जो दूसरा है हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं वी हैव ऑल काइंड ऑफ बेस्ट इक्विपमेंट्स अवेलेबल हियर एंड स्पेशली जो बच्चे जो बहुत प्रीमेच्योर हो जाते हैं जो 600, 500, 700 ग्राम की जो बेबीज होते हैं उनके लिए हमारे पास जिराफ का इंक्यूबेटर है. इस इंक्यूबेटर का जो फ़ायदा है कि बच्चों को जब हम इसमें रखते हैं तो एक तरह से एज कम्पेयर टू द मदर रूम उस तरह का इन्वायरमेंट ये प्रोवाइड करता है. इससे फ़ायदा ये होता है कि बच्चों को मदर रूम की फीलिंग आती है और जो NICU जो नॉइज़ है जो हमारा जो बाहर बच्चे के अर्ली आने से जो उनमें जो साइड इफेक्ट होता है जो कॉम्प्लिकेशन होती है उसके चांसेस बहुत ही कम हो जाता है ऐसे बच्चों को इस तरह के जिराफ इंक्यूबेटर में रखने से. ऐसे हमारे पास ऑल द इंक्यूबेटर्स हैं. दूसरा हमारे पास जो है जो बच्चे जिनको कन्वर्जन आती है झटके आते हैं उन बच्चे को कंटिन्यूस हमारे पास मशीन है जिसको हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड इंटीग्रेटेड EEG मशीन. उसमें हम कंटिन्यूसली उनके ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं. वैसे सीजर्स जो अनरिकॉग्नाइज हो जाते हैं इस मशीन के थ्रू हम उसको अर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको अर्ली ट्रीटमेंट से हम कंट्रोल कर सकते हैं सो दैट वो ब्रेन को डैमेज नहीं करे. तो दूसरा हमारे पास जो बहुत अच्छी मशीन है जिसको बोलते हैं होल बॉडी कूलिंग मशीन. जो बच्चे रोते नहीं हैं जन्म के बाद उनके ब्रेन पे डैमेज होने का चांस होता है तो इस होल बॉडी कूलिंग मशीन के थ्रू उनका जो ब्रेन में डैमेज है उसको या तो हम बहुत मिनिमाइज कर सकते हैं या बिल्कुल प्रिवेंट भी कर सकते हैं सो दैट फ्यूचर में ऐसे बच्चों को चलने फिरने देखने सुनने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो. किसी भी बेबी को कहीं से भी सेफली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक मिनी NICU है मूविंग NICU कर सकते हैं आप. उसमें कि बच्चा सेफली उसका टेम्परेचर नॉर्मल रह सकता है उसको हम वेंटिलेट कर सकते हैं अगर वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है अगर सांस की तकलीफ है तो हम उसको इजीली स्टेबलाइज कर सकते हैं और उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट और किसी भी डिस्टेंस से हम लोग कर सकते हैं. एक इसी तरह का एग्जाम्पल है एक बेबी जो है 26 वीक्स पे हमारे पास आया था और वो बेबी जो है 650 ग्राम का था. किसी हॉस्पिटल में सडनली उनका जो बैग है वो रप्चर हो गया था और सडनली डिलीवर्ड हो गया. उस हॉस्पिटल में उस तरह की फैसिलिटी नहीं थी. उन्होंने हमें कॉल किया और हमारी टीम वहाँ पे गई. हम लोग उसी ट्रांसपोर्ट इंक्यूबेटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर के थ्रू बच्चे को उसी वहीं से हम लोगों ने स्टेबलाइज करते हुए अपने NICU में लाए. उसको हमने यहाँ पे जिराफ इंक्यूबेटर में रखा और आज वो बेबी 1 साल का हो गया है. एब्सोल्युटली नॉर्मल बेबी है. चलता फिरता बोलता सब कुछ उसका डेवलपमेंट बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह है. तो हम किसी भी बच्चे को स्पेशली इस तरह के प्रीमेच्योर बच्चे या जो बच्चे रोते नहीं हैं जन्म के बाद उनको सेफली अपने टर्सरी केयर सेंटर मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका में सेफली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं.